नाउ वी हैव द एट्थ पार्ट. एट्थ पार्ट में हमें दिया हुआ नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डेप डीप. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिट कि कितना वॉल्यूम इसमें हो सकता है. एंड दिस इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 16 इंटू 12 इंटू 4. अब सेकेंडली हम क्या निकालेंगे, वी वुड बी फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ प्लैंक. एक प्लैंक का कितना वॉल्यूम है, क्योंकि इसी प्लैंक को तो हमें किस में स्टोर करना, पिट में स्टोर करना. तो इस सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ प्लैंक हमारे पास क्या रहेगा, 4 इंटू, लेकिन यहाँ पे अगर नोटिस करो ये सेंटीमीटर में, बाकी सारी वैल्यूज मीटर में. सो 50 सेंटीमीटर नीड्स टू बी कन्वर्टेड इंटू मीटर, 0.5 आ गया. 20 को भी मीटर में कन्वर्ट करोगे, 0.2 आ गया. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज नंबर ऑफ प्लैंक्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्लैंक्स. एंड नंबर ऑफ प्लैंक्स वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैंक. वॉल्यूम ऑफ पिट को हम किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स से. पिट कितना है हमारा, 16 इंटू 12 इंटू 4. देन वी हैव द वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, वॉट इज दैट, 4 इंटू 0.5 इंटू 0.2. 4 को 16 से कैंसिल कर देते, दिस वुड बिकम 4. 0.2 को हटाओगे, ऊपर 10 आ गया. 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ गया. 0.2 को नीचे से हटाते हो, ऊपर 10 आ जाएगा. 5 इज देयर, 5 को 10 से कैंसिल करोगे, 2 आ जाएगा. सो नाउ मल्टीप्लाइंग दीज ऑल नंबर्स, 4 इंटू 12 इज देयर एंड 2 इंटू 2 इज देयर, दिस वुड अगेन बिकम 4. 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 12 इज 192, और एक 0 है. सो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स हम स्टोर कर सकते हैं, 1920.